और गहलोत को हटा करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष आने वाले समय में। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग संसद पहुंची। अशोक गहलोत को हटाकर पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। राजस्थान का सियासी मुद्दा लोकसभा में गूंज उठा। कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है पायलट के हक में बड़ा फैसला। राजस्थान का कांग्रेस का सियासी मुद्दा अब लोकसभा में पहुंच गया है, जहां उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर ने राजस्थान के सियासी संग्राम पर जमकर बोला। उन्होंने साफ कह दिया कि अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा में संविधान एसटी आदेश पांचवां संशोधन की चर्चा चल रही थी। इस दौरान बसपा के सांसद नागर ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग पर कहा कि राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां पर सरकार गुर्जरों को एसटी में शामिल करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखने का दावा करती है, जबकि भारत सरकार कहती है कि उनके यहाँ नौवीं अनुसूची में किसी को शामिल करने का मामला लंबित नहीं है। कांग्रेसी नेताओं को बताना चाहिए कि क्या सच है। नागर आगे कहते हैं कि अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो पूरा गुर्जर समाज इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देगा। नागर ने आगे कहा कि कांग्रेस ने गुर्जर नेता राजेश पायलट को कभी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उन्होंने मांग की है कि अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, अन्यथा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना होगा। सांसद मलूक नागर ने अशोक गहलोत को जादूगर बताते हुए कहा कि उनकी सरकार को दो तीन झटके लग चुके हैं। देश में पिछड़े समाज की आबादी करीब 56% है। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो अगले चुनाव में पिछड़ा समाज कांग्रेस का बहिष्कार करेगा। और आपको बता दें कि नागर ने साफ तौर पर कह दिया कि अशोक गहलोत को हटाओ और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ। और गहलोत को हटा करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष आने वाले समय में। राजेश पायलट भगवान था गुजरों का, उसको कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। तुरंत राजस्थान को, मैं मांग करता हूं, तुरंत राजस्थान के गुजरों को नौवीं सूची में डाल के एसटी में डाला जाए। श्री मलूक नागर, अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस एसटी बिल पे बोलने का मौका दिया। अभी हमारे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन जी कह रहे थे कि कुर्मियों को इसमें कर दो, राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां से कहते हैं हमने पत्र गुर्जरों के बारे में भारत सरकार को भेजा है और भारत सरकार स्पष्ट करती है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा पेंडिंग नहीं है जो नौवीं सूची में डाल के एसटी में शामिल ना करा जाए। तो ये कांग्रेसी बता दें, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने पत्र भेजा वहां से, नहीं भेजा ये। और बाकी 56% दूसरे पिछड़े हैं, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कसर, सुनार, लुहार, कुमार, क्या इन अकेले कुर्मी चाहिए राजस्थान में? अगर इन्होंने नहीं करा तो 56% लोग आने वाले समय में एक भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा, हम भी कमजोर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, जिससे अपनी ये अपनी बात ना चला पाए। तो ये राजेश पायलट भगवान था गुजरों का, उसको कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। तुरंत राजस्थान को, मैं मांग करता हूं, तुरंत राजस्थान के गुजरों को नौवीं सूची में डाल के एसटी में डाला जाए और गहलोत को हटा करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष आने वाले समय में। श्री संतोष, इस पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।